आज टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। साइरस मिस्त्री ने करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात को कर्सी कॉल बताया। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब टाटा ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज का जापान के एंटिटी डोकोमो के साथ विवाद चल रहा है। इसके अलावा सितंबर के अंत में स्पेक्ट्रम नीलामी भी होने वाली है। हालांकि साइरस मिस्त्री ने टाटा डोकोमो विवाद पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। एनटीटी डोकोमो ने नवंबर 2008 में टाटा टेली सर्विसेज में 26.5% हिस्सेदारी करीब 12,740 करोड़ रुपए में खरीदी थी। उस वक्त यह तय हुआ था कि अगर 5 साल के अंदर डोकोमो टाटा टेली जॉइंट वेंचर से एग्जिट करती है तो उसे अधिग्रहण कीमत का 50% हिस्सा दिया जाएगा। अप्रैल 2014 में डोकोमो ने जॉइंट वेंचर से एग्जिट होने का फैसला किया था। डोकोमो ने टाटा से करीब 7,200 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन टाटा ग्रुप डोकोमो को यह रकम देने को तैयार नहीं था। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से साइरस मिस्त्री की मुलाकात हुई है। दरअसल ये मुलाकात 20 मिनट तक चली है। मिस्त्री ने हालांकि इसे कर्टसी कॉल बताया। ये भी आपको बता दें कि एक विवाद चल रहा है टाटा टेली सर्विसेज का एंटिटी डोकोमो के साथ, ये विवाद है और सितंबर अंत में स्पेक्ट्रम नीलामी भी होने वाली है। आपको एक बार फिर से बताएं कि आरबीआई ने आने वाले दिनों में महंगाई घटने की उम्मीद जताई है। आरबीआई के मुताबिक इस बार पिछले 5 सालों के मुकाबले काफी अच्छी बुआई हुई है। काफी पॉजिटिविटी जो रिपोर्ट आरबीआई के जरिए दी गई है उसमें कहा यह गया है कि देश में हाउस होल्ड सेविंग्स में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में के वेजेस में बढ़ोतरी हो रही है। उम्मीद ये भी जताई गई है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों में मांग और बढ़ेगी। आरबीआई के मुताबिक पिछले कुछ समय से गोल्ड की मांग भी कम हुई है। आरबीआई का यह मानना है कि कमर्शियल पेपर की मांग में बढ़ोतरी हुई है और यह भी एक बड़ा कारण है कि बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहे। आरबीआई ने ब्याज दरों में 1.5% तक कटौती की, लेकिन जो कंज्यूमर्स है उनको इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया। चलिए, बृंदा जागीरदार इकोनॉमिस्ट हमारे साथ इस वक्त हैं इस पर और बातचीत के लिए। बृंदा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है, एक पॉजिटिविटी एक दिखाई है कि जल्दी महंगाई घटेगी और उसमें कुछ रीजंस भी उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, आपका रिएक्शन उस पर? हाँ, आरबीआई को जो बहुत ही बैलेंस्ड है, क्योंकि आरबीआई एक तरफ तो कह रही है कि हाँ महंगाई घट सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो बिलो पोटेंशियल है। तो एक तरफ जीडीपी ग्रोथ में भी ट्रैक्शन चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, और दूसरा जो इन्फ्लेशन है उसमें भी स्पाइक ना हो। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो जरूरत है वो आरबीआई ने उस कॉशन को एकदम सामने ला के रखा है। बाकी गोइंग फॉरवर्ड कुछ पॉइंट्स भी आरबीआई की तरफ से कहे गए हैं। इनफैक्ट जैसे गोल्ड की मांग कम होना, ग्रामीण इलाकों में मांग और बढ़ेगी, ऐसा आरबीआई ने ऐसा पॉइंट आउट किया है। और ख़ास तौर पर कमर्शियल पेपर की मांग में बढ़ोतरी होना, क्योंकि जिस तरीके से ब्याज दरों में कटौती हुई उनकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से, पूरा जो फायदा है वो कंज्यूमर से नहीं पहुंचा है, इसको भी इस रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया गया है। कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न आपको लगते हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल, ये तो कमर्शियल पेपर जो की जो डिमांड इंक्रीज है, ये तो आरबीआई का पॉलिसी है कि बैंक बड़े जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा बैंक इतना डिपेंडेंट जो है उनके बैंक के ऊपर उसको थोड़ा कम करके पुश द बिग कंपनीज टुवर्ड्स द मार्केट। तो ये है इसी तरह से आरबीआई कंटिन्यूअसली ये देख रही है कि बैंक जो है बड़े कंपनीज हैं वो बैंक से ही सारा लोन ना लें, वो मार्केट से भी लें। तो इस तरह से जो कमर्शियल पेपर का इस इंक्रीज हुआ है, दैट इज रियली रिफ्लेक्टिंग दैट। और गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि बैंक डिपेंडेंस जो है, जो कॉर्पोरेट डिपेंडेंस है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स का डिपेंडेंस है बैंक पर, वो कम होगा। क्योंकि देखिए, आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो 25,000 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दे सकते उसको कम करना है, और अगर ज्यादा लोन देंगे तो देयर विल मोर कैपिटल प्रोविजन के लिए ज्यादा देना पड़ेगा, कैपिटल के लिए ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इट्स मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स टू लेंड टू द लार्ज कॉर्पोरेट। तो इसीलिए जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डेवलप करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हो। सो दैट इज वन थिंग। और सेकेंड, जो आरबीआई ने कहा है इकोनॉमी में जो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो मेनली अभी तक जो था कि रूरल डिमांड और वेरी स्लगिश, बहुत ही मंदी चल रही थी रूरल डिमांड को लेकर, और सारा जो है डिमांड मेनली अर्बन डिमांड से आ रहा था।
लेकिन अभी विद गुड मॉनसून विद सेवेंथ पे कमीशन रिवाइवल ऑफ रूरल डिमांड इज सीन और बाकी जो ग्रीन शूट्स हैं जैसे कि जो पीएमआई है बिजनेस कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट है ऑटो सेल्स पोर्ट कैपेसिटी रेलवे टूरिस्ट ट्रैफिक ये सारे जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं इसमें से दिख रहा है कि इकोनॉमी जो है going forward green shoots of growth are being seen and this growth could gain momentum in the coming months. ऑल राइट वृंदा वन मोर थिंग क्योंकि फेड चेयरपर्सन जेनेट येलन ने साफ इंडिकेशन दिए हैं कि जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती है यूएस में तो आने वाले टाइम में उसका क्या इम्पैक्ट आप हमारी इकोनॉमी पे देखते हैं हाँ ये तो आरबीआई गवर्नर भी काफी समय से कह रहे हैं कि वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली और उन्होंने अभी अपने मॉनेटरी पॉलिसी में भी कहा और अभी इस बार आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में भी कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी जो अनसर्टनिटीज है उनको हमें ध्यान रखना होगा व्हेन वी फॉर्मुलेट आवर पॉलिसीज अभी अगर यूएस की रेट्स बढ़ते हैं तो नेचुरली क्या होगा कि जो जो फॉरेन फंड्स हैं वो दोज फंड्स विल फ्लो आउट फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स एंड दे विल गो इनटू द यूएस बिकॉज वहां पर यील्ड इंप्रूव होगा तो उसकी जो रिटर्न्स होंगे वो बेटर होंगे तो इसलिए एक ये डेंजर तो है कि अभी हमें देखना है कि कितना तक होता है कि फंड्स फ्लो आउट करते हैं एक तो बिकॉज ऑफ फेड रेट इंक्रीज और दूसरा जो हमें एक जो $25 बिलियन का जो जो रिडेम्पशन आने वाला है उससे भी फंड्स आउटफ्लो के चांसेस हैं तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑन दिस एक्सटर्नल फ्रंट और देखिए एक्सपोर्ट पहली बार 18 मंथ्स के बाद अभी पहली बार पॉजिटिव हुआ है तो एक्सपोर्ट पे भी थोड़ा वीकनेस है इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर पे हमको बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ऑल राइट थैंक यू सो मच बृंदा जागेदार हमसे बातचीत करने के लिए इनफैक्ट महंगाई और घटी तो क्या ब्याज दरें कम होगी इस पर एसबीआई चेयरमैन अरुणती भट्टाचार्य क्या क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं आरबीआई का अगर रेट चेंज हो तो वो मार्केट बोरोइंग में उसका इम्पैक्ट आता है डिपॉजिट में उसका इम्पैक्ट कम आता है और डिपॉजिट की रेट है उसको जो हम लोग घटाते हैं वो भी थोड़ा हम लोग को देख के घटाना पड़ता है क्योंकि जो सेवर है वो चाहेगा कि हमको कुछ रियल रेट्स ऑफ रिटर्न मिले अगर इन्फ्लेशन आपका बढ़ा हुआ है तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द सेवर इज एक्चुअली ओनली द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ डिपॉजिट यू आर गेटिंग राइट सो टू दैट एक्सटेंड अनलेस इन्फ्लेशन ऑल्सो कम्स डाउन मोर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग डाउन द रेट्स ऑफ रिटर्न्स जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत पर अरुणिता भट्टाचार्य ने कहा था कि महंगाई जल्द ही घटेगी चले बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर खेल दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया पीवी सिंधु को बैडमिंटन में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक को खेल रत्न दिया गया सुश्री दीपा कर्माकर ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय को भी खेल रत्न मिला 25 साल में पहली बार ऐसा मौका है जब एक साथ चार खिलाड़ियों को खेल के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया इन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में बहुत अच्छा था उनके एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया हमें और मुझे लगता है इसमें हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है आगे और हमारा अच्छा होगा बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही गर्व करता हूँ कि मुझे आज इतना बड़ा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जा रहा है और मैं बहुत ही बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे सपोर्ट किया है श्री राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा समेत 6 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और फुटबॉल खिलाड़ी सुब्रत पॉल समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया पीवी सिंधु ओलंपिक में 92 साल में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। साक्षी ने रियो ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग की 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था दीपा ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रही वो फाइनल में 4th नंबर पर थी जीतू राय मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टूर्नामेंट की वर्ल्ड रैंकिंग में 3rd नंबर पर थे